कायम रखने में हमारा सेव करते हैं, वहां तक लूटपाट सारा बंटवारा, चाहे लाइसेंस देने हैं, चाहे कोई काम देने हैं, वो काम थी ना के बांटे रेवड़ियां फिर अपने को दे, कौन आपको सबको पता है। जागरूक होकर के हम सबको आगे बढ़ना है मित्रों भाइयों दोस्तों। अब वो समय चला गया जब राजनीतिक रंगदारी देनी पड़ती थी, नौकरी होती थी तो पैसे लगते थे, और फिर अगर नौकरियां लेने की देने की बात आती थी सिस्टम तोड़ देते थे। कोई बच्चा अगर 90% मार्क्स लेकर के, अंक लेकर के पढ़ाई में होशियारी से आगे बढ़ता था तो उसको इंटरव्यू में 10-15-20% नंबर देकर के बाहर कर दिया जाता था, और जिसको चाहते थे, जो सूचियां बन जाती थी, पढ़ाई में निकम्मा भी था तो इंटरव्यू के मार्क्स 80-90% लगा करके भाई तेरी नौकरी लग गई। और ऐसे ऐसे अवसर भी आए यहां कि जब नौकरियों के लिए परीक्षा ली गई, परीक्षा रद्द कर दी गई, बाद में परीक्षा के अंक छोड़ करके केवल इंटरव्यू के नंबर लगा करके नौकरियां पकड़ा दी गई। यह अलग बात है कि उन सब नौकरियों को कांग्रेस के टाइम की 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं, 11 नौकरियां। और हम अपने समय में बहुत सी कमियां वो निकालते हैं कि इनकी नौकरी ये कैंसिल होगी, वो कैंसिल होगी, अंतर इतना ही है, उनकी 11 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं। और अगर हमने कोई कमी पकड़ी है उस परीक्षा में, कोई नकल में, कोई पेपर लीक में, तो हमने अगर पेपर रद्द किए हैं तो अपने आप रद्द किए हैं, कोर्ट ने एक भी नहीं किया मित्रों, एक भी नहीं किया। आज भी कमियों के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं गलत काम करने की प्रेरणा वो लेते हैं, लेकिन पता लगते ही उसको दुरुस्त करते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको गलत काम को करने नहीं देते। आज हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर 1,10,000 से ऊपर नौकरियां दी हैं, और न केवल 1,09,000-10,000 दी हैं, इस आने वाले 6 महीने में जो बाकी हैं 60,000 नौकरियां पाइपलाइन में निश्चित रूप से आपको मिलेंगी। 1,70,000 नौकरी का हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बन जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंट भर्ती हरियाणा के अलावा पिछले इस 10 साल के अलावा पिछले साल में तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने। तो इस प्रकार के सारे काम को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है, आम आदमी की तकलीफों को भी समझा है, जो उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमें चाहे कोई सिस्टम अपनाना पड़े, हमने ट्रांसपेरेंट सारी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। हमने ऑनलाइन पोर्टल बनाए, और ये लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो वोट हम मेरिट सब खत्म कर देंगे, पोर्टल उठा को फेंक देंगे। पहली बात तो ये है, आप कहां सपने ले रहे हो, आपको कोई नहीं आने देगा, आपको कोई आने ही नहीं देगा। धन्यवाद। तो मित्रों अभी बहुत ही हौसले, पता नहीं कहीं सपने लेकर के रात में दिन में सपने लेते थे, लेकिन जैसे 3 प्रदेशों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दिन में भी रात में भी घुस गए गुदड़ी में। नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज इनके पास विषय कोई नहीं है सिवाय गाली देने के, सिवाय कोई ना कोई उल्टा सीधा धंधा करने के। जब नौकरियों की बात करते हैं कहीं भी जाकर के खड़े हो जाएंगे और उल्टे सीधे कोई ना कोई आरोप लगाकर कोर्ट में जाकर के भर्ती रोकने का काम करो, किसी तरीके से भर्ती हो ना जाए। और हम अडिग हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात के लिए लड़ेंगे। अभी सीईटी के एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी के एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है, आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की सीईटी की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है, आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा, 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं, और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,000-13,500 नौकरियां हैं तुरंत बिना इंटरव्यू के, जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं, उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ, तो आने वाले
जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे मित्रों। तो इसलिए मैं तो इतना ही अब आज के इस समय पर कहना चाहूंगा कि हम लोग युवा शक्ति के नाते से आने वाले समय में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमको भी बहुत लगन से काम करना होगा, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, चाहे शिक्षा हो चाहे स्किलिंग हो। हुनर के नाते से हरियाणा एकमात्र प्रदेश है, हमने अपनी स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है और स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे कोर्स हम करा रहे हैं। 12,000 नए विद्यार्थी हर वर्ष स्किलिंग करके वहां से निकलकर चाहे अपनी सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट नौकरी करेंगे, चाहे अपना रोजगार करेंगे। और हमने एक रास्ता और खोल दिया हमारे युवकों के लिए कि विदेश के अंदर भी नौकरी करने के लिए को जाना चाहता है, बहुत युवकों की इच्छा है। और एक जो बात चिंता की है हमारे लिए, एक चिंता है हमारे लिए कि वो बिना किसी सिस्टम के 2 नंबर के तरीके से कुछ एजेंटों के माध्यम से विदेश में चले जाते हैं, डोंकी रूट जिसको कहते हैं। हमको तो बहुत बाद में पता लगा ये डोंकी रूट है क्या, लेकिन उस समय तक तो नुकसान काफी हो चुका था। मैं उस दिन सचेत हुआ जब जनसंवाद के कार्यक्रमों में करनाल जिले के गांव में गया, सब गांव में कहीं 50, 60, 40, 70 ऐसे युवकों को हमने नौकरियां दी। मैंने उनको बताया कि इन गांव में ये ग्रुप डी की सी की केंद्र सरकार की हरियाणा सरकार की नौकरियां दी हैं, गांव के लोग स्वीकार करते हैं। कई 50, 60, 70 जहां पिछले 70 साल में एक भी नौकरी नहीं लगी, 50, 50, 60, 60 लोगों की नौकरियां लगी थी। लेकिन जिस उस गांव में मैं गया तो मेरा हैरान हो गया सुन करके कि केवल एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी वहां लगी। मैंने वहां के 2-3 बुजुर्ग लोगों को पूछा उसी समय, मैंने क्या बात है, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या, क्या होशियार नहीं है, मिशन मेरिट पर उनको कोई नौकरी के लिए रास्ता नहीं मिल रहा क्या? तो उन्होंने स्वीकारा, कहने लगे यहाँ नौकरी की जरूरत नहीं है बच्चों को, यहाँ के तो 300 जवान विदेश में चले गए हैं पिछले 6 महीने। मुझे हैरानी हुई इस बात की, किस रास्ते से गए, डोंकी रूट से गए। और आज वहीं के परिवार चिल्ला रहे हैं कि हमारा बेटा चला गया, उसका पता नहीं वो कहाँ गया है, उसका पता नहीं नौकरी कर रहा कि नहीं कर रहा है, हम वापस लाना चाहते हैं, वापस आ नहीं पा रहा है बिना वीजा के, और लोगों को किसी न किसी रूट से धकेल देते हैं। हमने उसके बाद ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से एक व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं। विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए नौकरी वाले, हमारे यहां हमारा देश युवा देश है, हमारे यहां 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है, आप युवा अगर चाहिए आपको हमको नौकरी वाले नौजवान भेजने हैं आप बोलिए। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है, जिसमें 10,000 इसराइल के लिए उन्होंने मांगे हैं। जब हमने एडवर्टाइजमेंट की कि इसराइल के लिए 10,000 युवक, अब उसमें बहुत लोगों ने आवेदन कर दिए हैं, ट्रेनिंग उसकी शुरू हो गई है कल से, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के अंदर ट्रेनिंग हमने शुरू कराई है। इन लोगों ने कहा कि इसराइल में तो लड़ाई हो रही है, आप कैसे भेज रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इन युवकों की अपनी ऑप्शन है, दूसरी बात ये इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, इनका इंश्योरेंस होगा, 1,00,000 रुपए से ऊपर प्रति महीना इनको सैलरी मिलेगी और सुरक्षा का काम हमारा है। आज लाखों लोग दुनिया भर से वहां जाते हैं, उनके देश को आगे बढ़ने के लिए वहां निर्माण कार्य के लिए उनकी युवा शक्ति नहीं है, हमारे पास युवा शक्ति भेज रहे हैं। इसके अलावा भी कई देशों ने और डिमांड की है, तो हम निश्चित रूप से उनको वहां, अगर जो जाना चाहते हैं केवल इसराइल में नहीं अफ्रीका के देश, पिछले दिनों में उनसे हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपका किसान बड़ा मजबूत है, किसान मेहनती है, किसान अच्छी खेती करना जानता है, आपके जमीन कम है, किसान की खेती 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ हमारा छोटा फार्मर, और वो कहते हैं हमारे पास लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। हमने कहा आप हमारे साथ करो एक बार MOU करो, हम आपके यहां हजारों किसान भेजेंगे जो खेती वहां करेंगे, बहुत जल्दी MOU हम करने वाले। अब वो जमाना चला गया
कि बाहर के लोग यहाँ आते थे कुछ भी काम करने के लिए, अब जमाना यह है यहाँ के लोग विदेशों में जाकर के काम भी करेंगे और अपनी बात को भी वहां रखेंगे और वहां से धन कमा करके देश की खजाने को भी भरेंगे। तो एक बहुत बड़ा काम ही में करने जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, हम लोग नौजवान साथी अपने मन को मजबूत रखें, हमेशा मन में विचार करें, कोई संकल्प लें और अपने आप के ऊपर विश्वास करें, अपने मन की बात उसको आगे बढ़ाएं, किसी के भी बहकावे में नहीं आए। जो आपको अच्छा लगे वो आप करें मित्रों, जो आपको अच्छा लगे वो करें। और मुझे यकीन है इस बात का कि जो हमारा 18 साल से लेकर के और 35 साल तक का युवा होता है, ये कुछ कर गुजरने की इसके मन में एक तमन्ना होती है, क्योंकि आखिर तो आज भले आयु मेरी 70 साल हो गई है, लेकिन मन में युवा जैसा उत्साह आज भी है मित्रों। आज भी वही काम जो एक युवा कर सकता है, आखिर तो इस आयु में हम भी जब गुजरे 18 साल से 35 साल तक कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद, मन में एक विचार आता था कि कुछ करना है, अच्छा करना है, बड़ा करना है। प्रारंभिक सालों में नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन कुछ समय के बाद जब आदमी की दिशा ठीक हो जाती है, उसको पता लग जाता है इधर चलना है, और फिर पता लगता है कि हमारी स्पीड क्या है, तेज है कि कम है, वो पता लग जाता है। एक दो कहानी छोटी सुना के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार कुछ युवक, वो किसी एक लक्ष्य को लेकर के पहुंचे कि हाँ फला शहर में या फला गांव में जाना है, थोड़ा दूरी पर था, दूरी पर था, वो चल पड़े, सुबह चले शाम तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा रास्ते जाने के बाद उन्होंने पूछा, एक बुजुर्ग मिल गया, उस बुजुर्ग को पूछा कि हमको अमुक गांव में जाना है, हम कब पहुंचेंगे। पता नहीं था उसका कितनी दूर है, क्या दिशा है, कैसी है। तो बुजुर्ग जो है उनकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखता रहा, कहने लगे क्या बात है, क्यों देख रहे हो बाबा। तो बाबा ने कहा, देखो जिधर तुम जा रहे हो उस गांव में, उस गांव में तुम्हें जाने में कई जन्म लग जाएंगे। बड़े हैरान हुए कि भी गांव इतनी दूर थोड़ा ही होगा कि कई जन्म लग जाएंगे। नहीं बाबा बताओ कई जन्म कैसे लग जाएंगे, एक दिन, दो दिन, 10 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इतने ही लगते हैं, कई जन्म कैसे लगेंगे। तो वो कहता है बाबा कि बेटा देखो, गांव में तुमने जाना है ठीक है, लेकिन जिधर तुम जा रहे हो उस गांव में जाने के लिए इस दिशा में अगर जाते रहोगे तो धरती का पूरा चक्कर काटना पड़ेगा, क्योंकि गांव तुम पीछे छोड़ आयो, यानी गांव पीछे छोड़ आयो, इधर जा रहे हो तो जाते जाते धरती का चक्कर काट के आओगे तो कई जन्म लग ही जाएंगे। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि गलत दिशा में जा रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा बाबा, दिशा मोड़ ली कि अब पीछे जाते हैं उस गांव में, पहुंच जाए कि हाँ पहुंच जाओगे। तो पीछे चल पड़े, जब पीछे चले और 2 घंटे चलने के बाद एक बाबा फिर मिले कि बाबा उस गांव में जाना है, हमें उस गांव में पहुंचने के लिए कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, बाबा बोला कुछ नहीं। उन्होंने फिर पूछा तो फिर चुप रहा। तो इन नौजवानों ने समझा, इस बाबा को या तो सुनता नहीं, या सुनता तो ये बोल नहीं सकता, या इसको समझ नहीं है, पागल होगा, कुछ भी करके और उसका तिरस्कार करके चल पड़े। जब वो युवक चल पड़े और 100 कदम चले होंगे तो बाबा ने पीछे से जोर से आवाज लगाई कि बेटा रुको। रुक गए कि देखो तुम्हें उस गांव में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे। अभी बड़े हैरान हुए कि अभी तक तो बिल्कुल बोल नहीं रहा था, ऊपर नीचे देख रहा था, अभी इतनी बात कह रहा कि 2 घंटे लगेंगे, इसको समझ नहीं आई उस समय। वो उत्सुकता वापस आ गया कि बाबा एक बात बताओ, तुमने उस समय तो बताया नहीं, अब बता रहे हो 2 घंटे लगेंगे। कहने लगा देखो बेटा, जब तुमने आके खड़े होके पूछा तो मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी रफ्तार क्या है, और जब तुम 100 कदम चले हो तो मुझे तुम्हारी रफ्तार पता लग गई, अब मैं कह सकता हूं 2 घंटे में गांव में पहुंच जाओगे। तो मित्रों, हमारी दिशा भी ठीक चाहिए और हमारी रफ्तार भी ठीक चाहिए। दिशा ठीक है, रफ्तार ठीक है, तो निश्चित रूप से जो मंजिल हम सोचेंगे उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमेशा हम उसको दोबारा से अगर याद करें हमारे स्वामी विवेकानंद जी को,
तो स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा करते थे, वो कहते थे अच्छा सोचो कि क्या तुम्हारे लिए कोई ऐसी मुश्किल बात भी है, नामुमकिन बात भी है, और ये सोच करके अगर मन में बात आ जाए कि बात नामुमकिन है, फिर विचार करो इसको मुमकिन कैसे करना है। अगर ये विचार चल पड़ा तो कोई चीज मुमकिन नामुमकिन नहीं है। और उसी में से आज देश के प्रधानमंत्री जी हमको प्रेरणा देते हैं, मोदी जी हमेशा कहते हैं युवकों को कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी हमारे युवकों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे सब नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए वो कहते हैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। और उनका कि हमेशा आपके पास कोई अपना एहसास होके नहीं हो अपने संपत्ति का, अपने धन का, दौलत का, लेकिन आपको आगे बढ़ना तो कोई चीज आपको चाहिए, कहीं से चाहिए तो मोदी गारंटी है। मोदी 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 गारंटी है। आज किसी चीज की चिंता मत करना। एक योजना मेरे मन में आ रही है, हरियाणा के विकास में आजकल बहुत हमने जनसंवाद अथवा जो हमारी विकास यात्रा चल रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, बहुत लोग उसमें अपने गांव के शहर के काम बताते हैं। काम हमारे पास बहुत डिमांड आ गई है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब करने के लिए हम लोगों को आह्वान करते हैं कि अच्छा काम करने के लिए आ जाओ, तो बड़ी कठिनाई है कि देश में अच्छे, प्रदेश में अच्छे पढ़े लिखे युवक भी हैं, अच्छे छोटे बड़े इंजीनियर भी हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं, लेकिन काम करने के लिए जितने कंट्रैक्टर चाहिए, जितने ठेकेदार चाहिए छोटे बड़े काम करने के लिए, अब वो नहीं है। तो हमने एक योजना बनाई है मित्रों कि हम इस आने वाले समय में, क्योंकि कुछ प्रदेश कर चुके हैं इसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हैं चाहे डिग्री होल्डर हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके और 15,000 नए युवकों